देखिए वो उनको कोई दरवाजा ही बंद है तो जाने का और आने का सवाल कहाँ है। अब तो बिहार से मुक्ति की बात हो रही है, कैसे बिहार से ये अपराधी भ्रष्टाचारियों की जमात से मुक्ति मिले। अलग अलग लूट की छूट नहीं, संग्रहित लूट की व्यवस्था। संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति, विधान मंडल दल का नेता, प्रतिपक्ष के नेता को वो न आमंत्रित कर पाते हैं, जबकि नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष दोनों संवैधानिक पद की जिम्मेवारी होती है, लेकिन हस्तिनापुर के गुलाम पूरी सूचना नहीं देंगे, तरीके से इनवाइट नहीं करेंगे, अंतिम समय में किसी तरह से एक आमंत्रण कार्ड भेज देंगे। अरे महापुरुषों में समान अधिकार है पक्ष और प्रतिपक्ष का। आज आप प्रतिपक्ष में है कोई, प्रतिपक्ष में कल कोई पक्ष में आएगा, आप प्रतिपक्ष में जाएंगे तो आमंत्रण दें तो हम लोग जरूर आए, लेकिन ये जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, संवैधानिक संस्था का सम्मान नहीं करते हैं और संवैधानिक पद पर बैठे लोगों के प्रति उनके मन में श्रद्धा का भाव नहीं है, जिसके कारण एक साथ नहीं आए। लेकिन चलिए हम तो बाद में भी चले जाते हैं और हम सम्मान महापुरुषों का करते हैं, महापुरुषों का सम्मान सबको करना चाहिए। कोई अब सवाल ही नहीं खड़ा होता एनडीए में। हम लोगों ने इंडिया को लेकर मेहनत किया। आप लोग जो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कभी भी कुछ भी कहीं बोलते हैं, इसका कहना है कि हम आप कहीं नहीं जा रहे हैं। देखिए वो उनको कोई दरवाजा ही बंद है तो जाने का और आने का सवाल कहाँ है। अब तो बिहार से मुक्ति की बात हो रही है, कैसे बिहार से ये अपराधी भ्रष्टाचारियों की जमात से मुक्ति मिले। इस मुक्ति के लिए आज बिहार में घोर अराजकता का वातावरण है। अभी आप ही लोग कह रहे हैं कि खुसरूपुर में एक महिला के साथ घटना है, तो कई महिलाओं के साथ घटना हो रही है। INDIA के लोग धृतराष्ट्र की भूमिका बिहार में क्यों निभाते हैं, क्यों नहीं जा कर करके इन पीड़ित परिवारों से मिलते हैं, इन महिलाओं के साथ जो अपमान होता है। एनडीए में जाने की चर्चा किस तरह से चर्चा जो उनकी हो रही है, अब वो चर्चा वो खुद कराते हैं और वो खुद अपनी चर्चा को विराम भी देते हैं। ये खिलाड़ी बनते हैं, लेकिन अब मदारी का रोल अदा करने से बिहार की जनता इनकी बातों से भरमाने वाला नहीं है। जिस तरह से कैबिनेट कल की जगह आज ही बुलाई गई है, क्या कहेंगे? नीतीश कुमार ने कहा बेचारे तेजस्वी जी को जाना है, इस वजह से बुलाई गई, फिर से तेजस्वी जी के लिए बेचारा शब्द का प्रयोग। और अब देखिए कौन बेचारा है, कौन किसको बेचारा बनाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। मैंने तो बताया कि दलित महिला क्या, यहाँ तो बिहार में हर महिला असुरक्षित है, कोई सुनने वाला नहीं है, उस महिलाओं को कोई न्याय देने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री फोटो को ट्वीट करके कहते हैं, फोटो उनका ट्वीट किया जाता है और आप लोग कहते हैं मंत्रण ही नहीं है। किनको? नीतीश कुमार के फोटो को, मुख्यमंत्री का जो फोटो था उसको नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और उसी को लेकर चर्चा काफी है कि फिर से वो जा सकते हैं। अब वो नीतीश कुमार ही बताएंगे। विजय जी एक सवाल है, कांग्रेस लगातार मंत्रिमंडल विस्तार की बात कर रही थी, राहुल गांधी ने भी ये बात कही थी, मांग किया था नीतीश कुमार की, नीतीश कुमार ने कहा कि कितना होगा विस्तार, अब आज उन्होंने कहा कि कोई कैबिनेट सस्पेंशन पर जो है उन्होंने कहा कि विस्तार की बात संभव नहीं है, मतलब बहुत देखिए मंत्रियों की संख्या। अलग अलग लूट की छूट नहीं, संग्रहित लूट की व्यवस्था है और पांच पांच विभाग जब एक एक मंत्री उप मुख्यमंत्री के जिम्मे है, वो अपने हिस्सेदारी की लूट दूसरे को कैसे देंगे। अंजलि कॉचूर हाउस ऑफ डिजाइन लहंगा, जहां आपको मिलता है ब्राइडल लहंगा, क्रॉप टॉप लहंगा, एंगेजमेंट लहंगा और मनपसंद डिजाइन्स में पार्टी वेयर लहंगा, खुद का डिजाइन लाएं और स्पेशल लहंगा बनवाएं। अंजलि कॉचूर, प्रगति टावर सेकंड फ्लोर, सगुना मोड, संत कैरन सेकेंडरी स्कूल के सामने, बालाजी नगर, पटना। हमारा नंबर है 8789150861। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरामा में।
पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।